नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेके आए हैं दो जीनों की वंशागति। दो जीनों की वंशागति जिसे अंग्रेजी में कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स, इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। तो दो जीनों की वंशागति के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे द्विसंकरण क्रॉस, द्विसंकरण क्रॉस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस अंग्रेजी में कहते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। दो जीनों की वंशागति में क्या होता है कि इसमें जब क्रॉस कराया जाता है तो इसमें दो जीन को एक साथ लिया जाता है। इससे पहले आपने पढ़ा होगा एक संकरण क्रॉस, एक जीन की वंशागति के अंतर्गत, एक जीन की वंशागति के अंतर्गत एक संकरण क्रॉस पढ़े थे। तो वहां पे एक जीन को ही लिया गया था क्रॉस में वंशागति के अध्ययन के लिए, लेकिन आज यहां हम ले चल रहे हैं दो जीनों की वंशागति में, दो जीनों की वंशागति। तो इसमें मेंडल साहब ने क्या किया किया कि दो जीनों की वंशागति में उन्होंने जो पी प्लांट्स को जो चयन किए, सिलेक्शन किए, उसमें क्रॉस कराने के लिए उसमें एक साथ दो जीनों को लेके चले। तो उसमें दो जीन कौन कौन थे वो मैं आपको बताता हूं। एक बीज था और दूसरा रंग। तो बीज दो प्रकार के उन्होंने लिया, एक बीज लिया एकदम राउंडेड, गोल, राउंडेड है ना, गोल, और एक बीज लिए झुरीदार। तो ये तो एक जीन हो गया, और इसके साथ रंग लिए वो भी दो, एक रंग लिए पीला और दूसरा लिए रंग हरा। तो हरा रंग को झुरीदार वाले के साथ रखे और पीला रंग को गोल आकार वाले बीज के साथ रखे। तो यहाँ रंग के अनुसार और साइज के अनुसार पी प्लांट्स के दाना का, मटर के दाना का साइज दो हुआ, एक झुरीदार और एक गोल, एक जीन, और दूसरा जीन रंग में तो पीला और हरा, ये दोनों को इन्होंने आपस में क्रॉस कराया। अब आप देखते हो कि जो येलो राउंड सीड मतलब ये गोल जो था और पीला, उसको कैपिटल वाई और कैपिटल आर से सूचित किए, कैपिटल वाई और कैपिटल आर से सूचित किए, जबकि ग्रीन रिंकलेट सीड हरा और झुरीदार बीज को स्मॉल वाई और स्मॉल आर से सूचित किए। अब इसमें आप मान सकते हैं ये मेल और ये फीमेल, या ये फीमेल या मेल, क्योंकि पी प्लांट्स जो होता है द्विलिंगी है। तो हम यहाँ पे लिंग के अनुसार नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ पे साइज और कलर के अनुसार जा रहे हैं, इसलिए हम मान सकते हैं मेल और फीमेल कौन है नहीं। अब जब इसको येलो राउंड सीड को और ग्रीन रिंकलेट सीड को जब आपस में जब क्रॉस कराया जाता है, तो F1 जनरेशन में जो संतान जो प्राप्त होता है F1 जनरेशन में, वो क्या होता है, येलो राउंड सीड, यानी ये येलो राउंड जो सीड है वो ग्रीन रिंकलेट सीड पे पूर्ण रूप से हावी है। इसलिए F1 जनरेशन में जो भी संतान आया वो क्या आया, राउंड सीड, येलो राउंड सीड। अब F1 द्वारा उत्पन्न, F1 में जो बीज द्वारा जो उत्पन्न जो हुए संतान, उसको फिर F2 जनरेशन के लिए जब क्रॉस कराते हैं सेल्फिंग, तो इसका देखिए रेशियो, ये फीमेल गैमिट्स इधर मान लिया गया है, ये फीमेल गैमिट्स है, ये चार्ट हम बना दिए हैं, वो चार्ट थोड़ा सा देखिएगा, और ये फीमेल गैमिट्स है और ये जो है ये मेल गैमिट्स है, इधर ये चार्ट बनाया हुआ है, सिंबल दिया हुआ है मेल गैमिट्स का, मेल गैमिट्स। अब इसका F1 को जब आपस ये सेल्फिंग कराया जाता है F2 जनरेशन के लिए, यहाँ पे देख रहे हो F2 जनरेशन, तो इसमें क्या होता है कि जो क्रॉस कराया गया F2 में, तो ये रेशियो में ये क्या होता है, चार्ट में दर्शाया गया है, ये बीज प्राप्त होता है, यानी पीला गोल जो है 9, पीला झुरीदार जो है 3, और हरा तथा गोल बीज जो है 3,
और हरा तथा झुर्रीदार जो है कहा है F2 जनरेशन में। आप इस चार्ट में भी देख सकते हो येलो राउंड एक टू, येलो राउंड थ्री, येलो राउंड फोर, येलो राउंड फाइव, येलो रिंकलेट यहाँ पे वन देखिएगा, येलो राउंड सिक्स, येलो रिंकलेट टू, येलो राउंड सेवन, येलो राउंड एट, येलो राउंड नाइन, ग्रीन राउंड वन, येलो ग्रीन राउंड है यहाँ वन और ग्रीन राउंड टू, येलो राउंड नाइन, येलो रिंकलेट, येलो रिंकलेट, येलो ग्रीन राउंड थ्री और ग्रीन रिंगलेट वन। यानी इसका फिनोटाइपिक रेशियो देखा जाए तो 9:3:3:1 इसका फिनोटाइपिक रेशियो 1:3:3:1 F2 जनरेशन में ये प्राप्त होता है। इसको हम देखेंगे येलो राउंड एक वन है, टू है, थ्री है, फोर है, येलो राउंड फाइव है, येलो राउंड सिक्स है, येलो राउंड सेवन है, येलो राउंड एट है, येलो राउंड नौ है। यानी कि यह नौ प्राप्त होता है राउंड। अब येलो रिंगलेट देखना है, येलो रिंगलेट वन टू, येलो रिंगलेट ये थ्री, ये तीन प्राप्त होता है। अब देखना है हरा तथा गोल, येलो राउंड हरा तथा गोल, तो येलो राउंड सॉरी ग्रीन हरा तथा गोल है तो ग्रीन और गोल, ग्रीन राउंड वन टू और ये थ्री। अब उसके बाद है आपका हरा तथा झुर्रीदार यानी ग्रीन और रिंकलेट तो ये वन। यानी 9:3:3:1 ये चार्ट में ये है, ये दर्शाया गया है, ये प्राप्त होता है। तो अब हम इसको साइज को देखेंगे कौन सा प्रभावी है कौन सा अप्रभावी है। तो ये गोल जो आकार है ये झुर्रीदार पे प्रभावी था साइज में, और रंग के अनुसार देखते हैं तो पीला येलो कलर जो था ग्रीन कलर पे प्रभावी था, यानी अपना प्रभाव दिखाया। तो ये था मेंडल साहब का दो जीनों की वंशागति के अंतर्गत द्विसंकरण क्रॉस, जिसका फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 ये रेशियो में, ये सेकेंड ये चार्ट जो मैंने बना दिया है उसमें आप ये प्राप्त कर सकते हैं, काउंट करके देख सकते हैं। इस तरह से क्या होता है कि इनका डाइहाइब्रिड क्रॉस जो होता है यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इस तरह से डाइहाइब्रिड क्रॉस जो है हमारा ये कंप्लीट हुआ। इसी को कहते हैं दो जीनों की वंशागति, ये डाइहाइब्रिड क्रॉस था। इसके लिए इतना ही। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसके आगे अगले वीडियो में मिलते हैं।